नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बहुत ही रोमांचक जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि आखिरकार टाइटैनिक जहाज का मलबा ढूंढ लेने के बावजूद भी इसके मलबे को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो सारी जानकारी बहुत रोमांचक है, आपको बहुत सारे फैक्ट के बारे में पता चलेगा इस वीडियो में, इस टाइटैनिक जहाज से जुड़े हुए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टाइटैनिक जहाज के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जिस पर बहुत चर्चित फिल्म भी बनी है। इस फिल्म में बताया गया था कि किस तरह टाइटैनिक जहाज एक ग्लेशियर से टकराता है और डूब जाता है। असल में भी ऐसा ही हुआ था। 108 साल पहले 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर दो टुकड़ों में टूट गया था। समुद्र में इसका मलबा भी ढूंढ लिया गया था, लेकिन आज तक इसके मलबे को बाहर नहीं निकाला गया, जो अपने आप में एक रहस्य है। इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनशुआ ही समुद्र में पड़ा रहा। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे के खोजकर्ता रॉबर्ट बल्लार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोज निकाला था। ये जहाज जहां पर डूबा था वहां गुप्त अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल का काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जा रहा है। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले जे बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको से सारी इन्फॉर्मेशन बहुत रोमांचक लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की आगे भी और इंटरेस्टिंग जानकारी, रोमांचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह किसी और रोमांचक वीडियो के साथ।